न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। हमारे प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी हमारे बीच में उपस्थित। प्रभारी जी, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। आज की यह जनसभा जहां बाबा भीमराव अंबेडकर को समर्पित है, जहां भारत के संविधान को रक्षा करने से समर्पित है, वहां आप देख रहे हैं कि समाज के हरेक प्रतंग ने, चाहे हरिजन है चाहे वाल्मीकि, चाहे बैकवर्ड है चाहे ब्राह्मण है चाहे पंजाबी, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस मंच को सुशोभित ना कर रहा हो और आज आपका स्वागत ना कर रहा हो। इसको कहा करते हैं कांग्रेस। ये असली कांग्रेस आज आपके सामने, और मैं हुड्डा साहब आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप तो रैली किंग हैं, रैली किंग। 6 जनवरी को पानीपत में 2 डिग्री टेम्परेचर में अगर रैली करते हैं भूपेंद्र हुड्डा, सरों का समंदर निकल कर आता है, लाखों की भीड़ टूट पड़ती है। यह क्षमता केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा में। और गोहिल साहब, आज 42 डिग्री टेम्परेचर है, किसान की चोटी का पसीना उसके एड़ियों से निकल रहा है। अगर 42 डिग्री में भी लाखों की भीड़ अगर कोई इकट्ठा करने की क्षमता रखता है, तो एकमात्र नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह। इस ये रैली नहीं, ये संदेश, ये आह्वान है, ये एक यज्ञ है, हरियाणा में परिवर्तन की आंधी है। इसको समझना चाहिए, इस संदेश को लेकर आप दिल्ली जाइए और ये बात समझ में आनी चाहिए कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। नेतृत्व साफ, हाईकमांड ने अपनी बात कह दी, अब लड़ाई हमें लड़नी। इन रैलियों को देखकर, इन भीड़ को देखकर, इन सरों के समंदर को देखकर श्री मनोहर लाल खट्टर को चक्कर आ रहे हैं। ये हो क्या रहा है मित्रों? जहां रैली की जा रही वही लोग टूट कर आते हैं। साथियों, ये संविधान बचाओ रैली, देश में ग्रंथ लिखा, गीता का ग्रंथ जो हर एक हिंदू के लिए मान्य है, पवित्र है। कुरान मुसलमानों को प्रिय है, पवित्र है। गुरु ग्रंथ साहब सिखों के लिए, लेकिन देश का एक चौथा ग्रंथ भी लिखा गया 1947 से 1950 के बीच में, भारत के संविधान नाम का ग्रंथ, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। उस ग्रंथ पर आज उस खून की एक रेखा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बैठे, जिनके पिता के हस्ताक्षर है। वो ग्रंथ से देश चल रहा, संविधान से देश चलता है। अमेरिका हो, दुनिया की कितनी बड़ी ताकत, लेकिन देश के अंदर का संविधान नहीं, उस देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना मुश्किल हो जाता। ये देश में संविधान, यह स्वतंत्रता, यह बोलने की स्वतंत्रता, इस जर्ज के माहौल से निकलना, 800 साल की गुलामी की जंजीरों को काटकर आजादी की देवी का ताज भारत माता के सिर पर रखने वाले हम कांग्रेस के नौ थे, गांधी थे, नेहरू थे, सुभाष थे, शास्त्री थे। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता बता दे, एक भी नाम गिना दे, जिसने अंग्रेज की काल कोठड़ियों में भारत की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए 1 घंटा भी बिताया। ये हम थे, हम कांग्रेस के लोग थे। इसलिए अगर संविधान पर आक्रमण हो रहा है, तो इस संविधान की रक्षा करने के, अगर हमने आजादी दिलाई, इस आजादी की रक्षा करने के लिए
कांग्रेस के रणबांकुरे सड़कों पर आएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, संविधान और किसाले सत्याग्रह करेंगे। और क्यों ना हो, संविधान बनाने वाले चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के बेटे और पोते, आपको लड़ना चाहिए, आइए, आपके साथ हरियाणा की जनता, आपकी आवाज में आवाज मिलाने वाले लोग, आपके साथ लब्बे कहने वाले लोग, आओ संघर्ष करेंगे। आज राहुल गांधी जिनकी नसों में शहीदों का खून दौड़ता, जिनकी नसों में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का खून दौड़ता, आज उसकी आजादी को खतरा, आज उसकी आवाज को दबाया जा रहा, आज राहुल गांधी को चुनौतियां दी जा रही, सजा करके उनकी जबान पर लगाम लगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चेताना चाहता कि हमने ये आंधियां खूब देखी हैं, हमने ये जेलें देखी हैं, देखी नहीं है तो तुमने नहीं देखी, समय आएगा ये जेल तुम्हें पुकारेगी। अरे भ्रष्टाचारियों, किस प्रकार से हरियाणा के अंदर आपने देखा, ये ईमानदारी का ढोंग रचने वाले लोग, अगर भ्रष्टाचार में देश में कोई नंबर एक है तो वो सब हरियाणा है। इसकी नसों में भ्रष्टाचार का खून भर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, हम इस खून को साफ करेंगे। आदरणीय साथियों, राजनीति हरियाणा की करी, आज हरियाणा के अंदर सारी राजनीतिक ताकतों को देख लीजिए, सारे राजनीतिक दलों को देख लीजिए, छोटे बड़े नेताओं को देख लीजिए, अगर सबसे बड़ा राजनीति में किसी का कद है, अगर सबसे ऊंचा कोई राजनीति में आज के दिन है, अगर जिसकी आवाज नारनौल की पहाड़ियों से कालका तक गूंजती है, फरीदाबाद से लेकर सिरसा तक जिसके कदम पड़ते हैं तो सरों का समंदर झूम उठता है, वो हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके बराबर का कोई नेता नहीं। इसलिए समझने वालों, समझ जाओ, वक्त आपका इंतजार कर रहा है, ताकत शक्ति राज आपके दरवाजे खटखटा रही है, चंडीगढ़ में तिरंगा लहराने का आपका इंतजार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हरियाणा में जय जय जनता पार्टी, कौन सी है ये जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां, इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। अरे पदम सिंह दहिया जैसे अपने जीवन बिता दिया, आज छोड़कर अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र से हाथ मिलाने आए हैं, सोच लो, वक्त बदल रहा है, वक्त करवट ले रहा है। आज इंडियन नेशनल लोकदल के नेता किसी यात्रा के बहाने हरियाणा की खाक छान रहे हैं, लेकिन ये अंधेर है या अंधेरा है, चराग जल रहे हैं पर रोशनी नहीं होती, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। नेता अगर विपक्ष में कोई है, कोई आवाज है, तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इसलिए संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। गोहिल साहब, आज की इस रैली का संदेश लेकर जाना, यहां नहीं, हरियाणा में जहां भी जिस कोने में, पहाड़ी हो चाहे रेगिस्तान हो, हिसार के टीले हो चाहे करनाल के लहलाते हुए खेत हो, जहां हुड्डा साहब कहेंगे, दीपेंद्र जी कहेंगे, ये सरों का समंदर इस तरह टूट कर अपना समर्थन देने, भारतीय जनता पार्टी की जड़ों पर प्रहार करने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, राहुल गांधी का साथ देने के लिए आपके साथ खड़े रहेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।